नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अगर आप मेहनती हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है, तो जुड़िए यूसीसी रेडीमेड शर्ट कंपनी के साथ। यूसीसी कंपनी को यूपी के सभी जिलों में डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी होल्डर चाहिए। हमारे यहाँ कुशल कारीगर और आधुनिक विदेशी मशीनों से बेहतरीन शर्ट तैयार की जाती है। इसी के साथ कंपनी को कुशल कारीगर, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉलर, ड्राइवर, चपरासी और रिसेप्शन के लिए लड़के और लड़कियों की जरूरत है। हमारा पता है सुल्तानपुर प्रतापगढ़ मार्ग, दुर्गापुर बाजार, जिला अमेठी। लखनऊ में पारा कोतवाली के कोतवाल तेज बहादुर सिंह ने जनता से मिलकर बातचीत की। इस दौरान आने वाले त्योहारों के मद्देनजर लोगों को अलर्ट रहने की बात कही गई। लखनऊ में एसीपी अलीगंज आशुतोष कुमार के नेतृत्व में मड़ियांव थाने पर पीस कमेटी हुई। पूरे लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेगी। लखनऊ में थाना सैरपुर प्रभारी निरीक्षक सुनील तिवारी ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सभी से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की गई। लखनऊ में नागरिक सुविधा दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में आयोजित किया गया। सुल्तानपुर में उपनिबंधन सदर तहसील के रजिस्ट्रार के भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान नेता धरने पर बैठे। इन सभी ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जमकर नारेबाजी भी की। सुल्तानपुर में गोलाघाट के पास गोमती नदी के पार यातायात पुलिस पिकेट का उद्घाटन हुआ। इस दौरान एएसपी ने कहा कि इसके जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। अमेठी के जगदीशपुर में यूपी सीडा पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ एक और शिकायतकर्ता ने यूपी सीडा पर आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी जमीन पर काम नहीं करने दिया जा रहा। अमेठी के जगदीशपुर में लगातार लगने वाले जाम से लोग परेशान हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानों के कारण आए दिन जाम की समस्या हो रही है। अमेठी में आधार कार्ड संशोधन और नए आधार कार्ड बनाने के लिए हर तहसील में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 22 नए आधार कार्ड बनाए गए, वहीं 43 आधार कार्ड में संशोधन भी किया गया। बहराइच में एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई समस्याओं को मौके पर ही निपटा दिया गया। बहराइच में थाना हुजूरपुर के ज्ञान विद्या मंदिर में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बच्चों को हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी देते हुए साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक किया गया। जौनपुर के एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने डीएम मनीष कुमार वर्मा को विदाई दी। आपको बता दें, डीएम मनीष कुमार का नोएडा ट्रांसफर कर दिया गया है। जौनपुर के थाना खेतासराय में पीस कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान पुलिस ने सख्त होते हुए कहा कि जिले में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।